नमस्कार साथियों, मैं अपूर्वा वशिष्ठ आज आपके सामने एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है हमारे शरीर की समस्याओं के निवारण करने के लिए। ऐसा होता है ना, कई बार कोई प्रॉब्लम आई और डॉक्टर कहते हैं कि फ्रूट्स का सेवन करो, फ्रूट्स खाओ, तो हमारे सामने बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं है ना, जिसको हम खा सकते हैं। उसी में एक फल आता है कीवी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। इसे हम चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, देखो, इसमें फाइबर, फॉलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन, में विटामिन सी, विटामिन ए, ई, B6, B12, ये सब पाए जाते हैं, फॉलेट तत्व भी पाया जाता है। तो अब जब इतने सारे तत्वों से ये भरपूर होता है तो हमारी नेचुरल सी बात है बहुत सारी समस्याओं का भी निवारण करेगा। इसमें विटामिन सी तो इतनी अधिक मात्रा में होता है कि जैसे नींबू में हम बोलते हैं विटामिन सी बहुत ज्यादा है और संतरे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उससे दुगना विटामिन सी इसमें होता है। और ये बात आपको एक पता है कि विटामिन सी हमारे को डेली लेना चाहिए, क्योंकि डेली ये खत्म हो जाता है हमारी बॉडी से, तो इसमें लगभग दुगनी मात्रा में विटामिन सी होता है नींबू से और संतरे के कंपेरिजन में, जो हमारे को, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होता है। ये हमारे शरीर की क्या होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर को फुर्तीला रखता है, चुस्त व तंदुरुस्त रखता है। इसी तरह से किसी किसी को नींद की समस्या होती है, तो उसकी नींद की समस्या में भी ये क्या होता है, बड़ा ही मददगार साबित होता है। अगर हम कुछ दिन इसको लगातार इसका सेवन करते हैं तो उसको वो समस्या से निदान मिलता है। और इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, और इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फाइबर से क्या होता है कि ये जो होता है ना हमारी कोलेस्ट्रॉल वाली समस्या, जो शरीर से हमारे मतलब कोलेस्ट्रॉल की हो गई या हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो गई, कार्डियक वाली जो समस्या है, उसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। साथ साथ ये हमारे ब्लड शुगर के लिए भी है और हमारे लिवर की समस्या के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और कई तरह के कैंसर्स होते हैं जिसमें भी इसका सेवन करते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि हम बोलते हैं ना पपीता खाना चाहिए, तो उसी तरह से डाइजेशन में कब्ज की समस्या नहीं होती अगर हम कीवी का सेवन करते हैं। हम इसमें फॉलेट नाम का तत्व पाया जाता है। फॉलेट से क्या होता है, इसमें जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी मतलब इसको कीवी को लेती है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो होता है इसमें देखो, एक विटामिन सी आपको बताया मैंने, विटामिन ई बताया, वो क्या होता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। इसमें क्या होता है, तो स्किन क्या होता है, चमक बनी रहती है स्किन पे। दूसरा, हमारी जो बॉडी का पीएच लेवल है ना उसको कंट्रोल रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जिसके कारण हमारे को जो होता है लिवर की जो समस्या होती है उसमें भी बड़ा मददगार साबित होता है। और इसमें ये जो B6 और विटामिन ए पाया जाता है, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ इसमें जो होता है ना, ये हमारी आंखों की समस्या के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है ल्यूपिन नाम का, जो हमारी आंखों के रेटिना के लिए अच्छा होता है। तो साथियों, देखा हमने कि इसमें कितने ज्यादा हेल्दी गुण है, जो हमारी कितनी तरह की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो हमें इसका सेवन करना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप जिसने अगर इसका कभी खाया कि नहीं देखा है, थोड़ा खट्टा स्वाद होता है और अंदर से कट करके देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इसको तो हम जो ना ड्रेस, जब हम कुछ मतलब जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तो बहुत देखने में अच्छा होता है कि फ्रूट रखा हुआ अच्छा लगता है ना। इसी तरह से एक ड्रैगन फ्रूट होता है, जिसका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि वो भी बहुत अच्छा होता है, देखने में भी खूबसूरत होता है और पौष्टिक तत्व भी बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो साथियों, इसको हमें अपने जो अभी तो हम कीवी की जैसे बात कर रहे हैं, तो कीवी का सेवन हमें करना चाहिए, अपनी डाइट में से शामिल करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथियों।